हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी में दो तीन ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की बात हम कर रहे हैं तीन टर्मिनोलॉजीज की। व्हाट इज गेप, व्हाट इज ईटीएल, व्हाट इज ईआईएल। एंटोमोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज है और कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपके इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इन तीन चीज़ों को आपके दिमाग में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देखते हैं हम क्या है गेप। तो गेप का पूरा नाम है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ईटीएल का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ईआईएल का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये तीन तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बताने के लिए। तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बताने के लिए इन तीन टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले लिखा हुआ है गेप। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ लिया है और इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि कैसे इन तीन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। तो इसी को मैंने बताने के लिए एक ग्राफ का यूज़ किया है, जिसमें मैंने तीन ग्राफ एक दो तीन चीज़ें ली है, जिसमें गेप को बताया है, ईटीएल को बताया है, ईआईएल को बताया है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ये क्या मजरा है। यहाँ पर गेप अगर हम बात करें तो बता चुके हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये जो गेप को आप देखिए इसके बीच में, तो ये जो गेप है यहाँ पर इंसेक्ट को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में हानिकारक इंसेक्ट और बेनिफिशियल इंसेक्ट इस गेप पर बने रखते हैं, और गेप पर बने रहने से यह हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। मतलब गेप पर जो भी इंसेक्ट है वह इंसेक्ट हमारे क्रॉप को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर कोई भी इंसेक्ट, या वो हानिकारक है या हार्मफुल है, वह हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करता है। मतलब ये कहने की बात है कि गेप पर जब कोई इंसेक्ट क्रॉप को हानि नहीं पहुंचा रहा है, उस स्थिति में उसे गेप माना जाएगा। पर जैसे ही उसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे उसको टेम्परेचर मिल जाता है या उसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है, तो उस अवस्था में वह क्या करता है, इस गेप से आगे बढ़ना लगता है, गेप के आगे बढ़ने लगता है फेवरेबल कंडीशन में, ह्यूमिडिटी में, या उसके लाइफ साइकिल ब्रस्टिंग होती है, तो उसके बाद वह गेप से आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डॉट डॉट में बताया है कि वह जैसे ही उसको अच्छा टेम्परेचर मिलता है, अच्छी ह्यूमिडिटी मिलती है ना, तो उसकी बेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। और गेप से वो जैसे ही ऊपर क्रॉस करता है, मतलब ऊपर की ओर, तो वो आगे ईटीएल की ओर जाने लगता है, ईटीएल की ओर जाने लगता है। इस पोजीशन से हम देख सकते हैं कि ये ईटीएल की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पेस्ट आगे 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 बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि हमारी फसल को यह अब नष्ट करने वाला है या हमारी ईटीएल लेवल पे पहुंचने वाला है। हमने ये बता दिया कि भैया ईटीएल होता क्या है। तो ईटीएल क्या होता है, ईटीएल होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, या बोलना चाहिए कि जब हमारा इंसेक्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वह ईटीएल पर पहुंच जाता है। और दोस्तों दिमाग में एक चीज़ याद रख लो, जब भी कोई इंसेक्ट ईटीएल लेवल पर पहुंच जाता है, कोई पेस्ट, पेस्ट जो है वो ईटीएल लेवल पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूज़ कंट्रोल मेजर्स। मतलब जब भी ईटीएल पे पहुंच जाता है तो हमको वहां पर कंट्रोल मेजर्स अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि ईटीएल पर ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से स्थान पर स्प्रे करना पड़ेगा। तो स्प्रे हमको कहाँ करना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर्स कहाँ अपनाने पड़ेंगे, यहाँ पर ईटीएल लेवल पर, मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर हमको इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ अगर बात करें कि अगर यहाँ हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, इस स्थिति में हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो भैया इससे अगर आगे पहुँच गया तो आगे की उसकी स्थिति कौन सी है, आगे की उसकी स्थिति है ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ एनी पेस्ट विच कोज इकोनॉमिक डैमेज। ये ध्यान रखना, ईआईएल क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द लेवल या इज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पेस्ट विच
कोज एनी इकोनॉमिक डैमेज, मतलब ईटीएल पर आप अगर 100% कंट्रोल नहीं कर पाए, यह जब इकोनॉमिक लेवल पे पहुंच जाएगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आपकी फसल को बाप नहीं बचा सकते। और हम प्रैक्टिकल लेवल में भी वही देखते हैं कि हमारी फसल, बहुत सारे इंसेक्ट जब ईएल पर पहुंच जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इन तीन टर्मिनोलॉजीज में से आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल मेजर कहाँ पर अपनाते हैं। तो कंट्रोल मेजर हम कौन से लेवल पे अपनाएंगे, तो वह अपनाएंगे ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर कंट्रोल मेजर को अपनाते हैं। दूसरा ये है कि एक डेफिनेशन ये भी पूछी जाती है कि द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पेस्ट विच कोज इकोनॉमिक डैमेज। तो इकोनॉमिक डैमेज कौन सी स्थिति में होता है, तो वो होता है ईआईएल पर। ईआईएल पर क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, हमारी फसल नष्ट होगी। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, ये छोटा सा वीडियो, और इसको आपको ध्यान में रख कर अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, जो आप चाहते हो कि सर हमको अच्छे से इस तरह का टॉपिक पढ़ाइए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि सर जी इस तरह का क्वेश्चन दीजिए, हमको पढ़ाइए, जिससे कि हमारा नॉलेज बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।